नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चार साल में सरकार ने गांव, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का किया कार्य। प्रभारी सचिव। जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानते हुए जो वादे किए थे उनको धरातल पर दिया मूर्त रूप। सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चार वर्ष में विभागों द्वारा धौलपुर जिले में कराए गए विकास कार्यों पर मॉडल स्टेट राजस्थान जिला दर्शन पुस्तिका जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान का जिला प्रभारी सचिव सामरवर वर्मा एवं विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट धौलपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन कर सरकार के चार साल के विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का कार्य किया है। सरकार की कोशिश है कि फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं इंदिरा गांधी रसोई योजना, आम आदमी की उन्नति, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के प्रति सरकार की वचनबद्धता के प्रतीक है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि इन चार वर्षों में कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने चौथे सुशासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए यह साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो उनके लिए जनसेवा से बढ़कर और कोई प्राथमिकता नहीं है। सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में विकास के पहिए की गति को निरंतर गतिमान रखा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की आवाम खुश भी है और खुशहाल भी। इस दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर जिले में चार वर्ष में सरकार द्वारा काफी विकास कार्य कराए गए हैं। विकास की गति लगातार जारी है। जिला विगत चार वर्षों से जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रगति पथ पर कीर्तिमान रच रहा है। शिक्षा, कृषि, विद्युत, पेयजल, सड़क निर्माण आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अर्जन किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दुर्गादत्त शास्त्री, नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, एसपी धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता धनेश जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद गुरु ने किया। जिले में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से करूंगी आग्रह। विधायक शोभा रानी। सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रभारी सचिव सामरमल वर्मा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने बीते चार सालों में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास की यात्रा को जारी रखते हुए आम जन के सुझावों एवं सुविधाओं को आगामी बजट समर्पित होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं, जिन्हें आगामी बजट में समाहित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने किसानों को सर्द रात में बिजली देने के सवाल पर कहा कि इस समय बिजली की कमी है, जिस कारण अलग अलग शिफ्ट बनाकर किसानों को बिजली दी जा रही है, जिसके तहत कुछ इलाकों में दिन में तथा कुछ इलाकों में रात में बिजली दी जाती है। यह शेड्यूल समय समय पर बदलता रहता है।
प्रेस वार्ता में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिले की जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जिले में रक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करने की बात कही। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी सम्मान साथीगण, जैसा कि आपको विदित है, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया और जो राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके तहत जो प्रगति धौलपुर जिले ने विभिन्न तरह के सोपान कायम किए हैं उसकी प्रदर्शनियाँ लगाई गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी संवेदनशील हैं, चाहे किसी भी वर्ग या समाज की हम बात करें, चाहे युवा वर्ग हो, छात्र छात्रा हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो या अन्य कोई वर्ग हो, उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक वर्ग के लिए भिन्न भिन्न योजना लागू की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ, 3 दिन तक जारी रहेगी प्रदर्शनी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय धौलपुर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित मॉडल स्टेट राजस्थान जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान विकास तथा जिले में हुए विकास कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन PRO ऑफिस कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में किया जा रहा है, जिसका गुरुवार को प्रभारी सचिव सामरमल वर्मा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, सभापति खुशबू सिंह, गांधी जीवन समिति के संयोजक दुर्गादत्त शास्त्री, धनेश जैन द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर ने जिले में किए गए नवाचारों एवं विभिन्न विभागों द्वारा विगत 4 वर्षों में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। ये प्रदर्शनी आमजन के अवलोकन के लिए 3 दिन चलेगी, जिसका अवलोकन कर आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ ले। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मेटर्निटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर, शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट, एक बार अजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। रात को धौलपुर शहर के गश्त पर निकले टाइगर। अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए धौलपुर SP धर्मेंद्र सिंह बुधवार गुरुवार की रात करीब 11 बजे DST टीम के साथ धौलपुर शहर के गश्त पर निकले और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। SP ने इस दौरान गुलाब बाग, पैलेस रोड, लाल बाजार, पुराना डाकखाना चौराहा, रेलवे स्टेशन, जेल रोड, अस्पताल रोड, हरदेव नगर, नगर परिषद रोड, वाटरवर्क्स चौराया एवं पहाड़ पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बाजार में कई चाय के खोके आदि खुले मिले, जहां कुछ लोग बैठे मिले जिनसे पूछताछ की और देर रात तक फालतू नहीं बैठे रहने की समझाइश की। सेपो पहुंचने पर भगवान परशुराम जी की यात्रा का हुआ भव्य स्वागत।
भगवान परशुराम जी की यात्रा के सैपों में पहुंचने पर सर्व समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर द्वारा ब्राह्मण समाज व अन्य समाजों के लोगों ने भगवान परशुराम जी की आरती उतारते हुए पूजा अर्चना की। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा अरुणाचल से शुरू होकर पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रही है। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के साथ रथ हर प्रदेश और शहर में पहुंचकर भगवान परशुराम कुंड, जिसको केंद्र सरकार की ओर से बड़ा पर्यटन स्थल बनाया है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। कैथरी बॉर्डर पर किया गया भव्य स्वागत। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का धौलपुर जिले में सैपो इलाके के कैथरी बॉर्डर पर भी भव्य स्वागत किया गया। यहां ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज की ओर से भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई और यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं सर्व समाज की ओर से भगवान परशुराम जी की आरती उतारी गई। परशुराम यात्रा के स्वागत के दौरान पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी एडवोकेट, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, जितेंद्र तिवारी, रजनीश तिवारी, कुकरा सरपंच के शर्मा, सखवारा सरपंच मुकेश रावत, कैथरी सरपंच अजिकांत शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा, शैलेश कबीर, रामकुमार शर्मा, राजा का नगला, सुभाष शर्मा, रामू शर्मा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, अध्यक्ष लक्ष्मण कोहली, रामविलास बघेल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चोरों ने किराना और मोबाइल की दुकान से की लाखों की चोरी। अज्ञात चोरों द्वारा बीती रात बसेड़ी कस्बे में दो दुकानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी पीड़ितों को सुबह के समय हुई तो उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा पीड़ितों की तहरीर पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना को लेकर दोनों पीड़ितों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित मोबाइल दुकानदार शकील पुत्र साबुद्दीन मुसलमान निवासी नयावास बसेड़ी ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी दुकान विपुल मार्केट बसेड़ी में स्थित है। अज्ञात चोर उसकी दुकान की शटर का ताला तोड़कर 150 कीपैड मोबाइल, 12 एंड्रॉइड मोबाइल, 100 चार्जर, कंप्यूटर, LCD चुरा कर ले गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख से अधिक है। वहीं पीड़ित किराना दुकानदार शिवम पुत्र मुरारीलाल गोयल निवासी कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी ने रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान की पक्की दीवार में सेंध लगाकर गुटखा, सिगरेट, नमकीन, बीड़ी, चाय पैकेट, बिस्किट व पेटी में रखे करीब 5,000 रुपए चुरा कर ले गए हैं। बसेड़ी कस्बे में हुई चोरी की वारदात से व्यापारी भयभीत नजर आए, क्योंकि करीब 1 माह पूर्व ही कस्बे में 2 अन्य दुकानों से चोरी हुई थी, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। दुकान रात को हम अच्छी बल्ली ताला लगा के गए थे और रात को करीब 2-2.5 बजे का वाक्य है, इसमें से हमारा सब सामान लापता हो गया है। करीबन 2 से 2.5 लाख का मतलब माल गायब है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, चार्जर वगैरह, अपना मोबाइल सब आज सब गायब है। हमारे पड़ोसी ने सुबह बताया था, हम लोग घूमने के निकले थे कि तुम्हारी दुकान का ताला टूटा मिला है, तो हम लोग आगे देखा सुबह तो सब हमारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मैं शाम को दुकान बंद करके घर चला गया था और सुबह आया तो मुझे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। पीछे से दीवार तोड़कर चोरी हुई है। दुकान में 70-80 हज़ार रुपये का सामान था, सिगरेट के पैकेट, गोल्ड और पैकेट, नमकीन वगैरह पैकेट, चाय वाय, डिलीवरी की पेटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेटी मिली, पीछे की साइड पूरी पेटी खाली करके और सारा सामान चोरी और पैसे नगद सब चोरी करके ले गए। मृत्यु भोज है कानूनी अपराध। ADJ सुनीता मीणा। राजीव गांधी सेवा केंद्र जाटोली में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन।
राजीव गांधी सेवा केंद्र जाटोली धौलपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा की अध्यक्षता में किया गया। शिविर के दौरान सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया गया कि मृत्यु भोज की परंपरा से सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। इससे कई लोग कर्ज के तले दब गए हैं, कई लोगों की जमीन जायदाद बिक गई है। ऐसे में सरकार ने इसे बंद करने के लिए मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 पारित किया था। कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करता है या इसके लिए जोर डालता है या मृत्यु भोज कराने में मदद करता है तो उसे भी 1 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही सचिव सुनीता मीणा द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए जानकारी देते हुए बताया कि बालिका की 18 वर्ष और बालक की 21 वर्ष से पूर्व शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ साथ कानूनी अपराध है जिसके लिए जुर्माना एवं सजा अथवा दोनों हो सकती है। बाल विवाह के कई दुष्परिणाम हैं। कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर इंदु सक्सेना, ग्राम विकास अधिकारी पटवारी यदुवीर एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर आर के पांडे शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर आर के पांडे एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 24 दिसंबर 2022 शनिवार को शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 25 दिसंबर 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इसलिए ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता आयुर्विक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 97-85-30-45-30 और 96-60-93-52-72 पर संपर्क करें। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें चाय सुट्टा बार, गुलाबबाग चौराहा पैलेस के सामने धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिंपल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट मित्तल कॉलोनी के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। भाजपा पार्षदों पर लगे गैंग रेप के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित। ग्वालियर की एक महिला ने महिला थाना धौलपुर में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें नगर परिषद धौलपुर का भाजपा का एक पार्षद व एक पूर्व पार्षद तथा एक अन्य आरोपी है, जिसे लेकर भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो गैंग रेप के आरोपों की जांच करेगी। कमेटी में कुक्कू शर्मा नेता प्रतिपक्ष, राजीव रस्तोगी पूर्व चेयरमैन, जिला मंत्री विनय परमार, भूपेंद्र घुरैया जिला अध्यक्ष,
युवा मोर्चा भोगीराम जाटव, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना को शामिल किया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और उसी संदर्भ में हमने एक उच्च स्तरीय जिले की कमेटी बना दी गई है। शीघ्रता के साथ इसकी निष्पक्ष जांच करके वो रिपोर्ट पेश करेगी। अगर वो कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। धन्यवाद। रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष चंद्रवान चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चंद्रवान चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कमेटी गठित की है। पूर्व सरकार ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सामंत कमेटी का गठन किया था, जिसने सभी संगठनों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। लेकिन गहलोत सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एक और कमेटी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर दी और इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाते हुए अपने 4 साल के समय को संगठनों से वार्ताओं में निकाल दिया। जिला महामंत्री योगेश पांडे अशोक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यदि सरकार ने रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया और कर्मचारियों की लंबित मांगों की अनदेखी की तो आने वाले समय में सरकार को कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। शिक्षक संघ एकीकृत के चौल सिंह ने तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करने की भी मांग की। इस अवसर पर मुख्य पशुपालन प्रतिनिधि दुर्गेश यादव, हेमंत परमार, रामवरण, मधु यादव, रेणुका चौधरी, अंजू वाला, रचना मीना आदि उपस्थित रहे। महासंघ की तरफ से राजस्थान सरकार के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग बहुत दिनों से सरकार आश्वासन दे रही है जो पूरी नहीं हो रही है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति में सुधार के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अब तक सरकार के द्वारा उजागर नहीं की गई है और ना ही सामंत कमेटी की रिपोर्ट उजागर की गई है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी खेमराज कमेटी और सामंत कमेटी की रिपोर्ट उजागर करें, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति अच्छा मैसेज जाए और कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। राजीव रस्तोगी बने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक धौलपुर का निर्विरोध डॉक्टर बनाया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माला व साफा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राजीव रस्तोगी एक निष्पक्ष, निर्भीक एवं ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। उनके तीसरी बार निर्विरोध डायरेक्टर बनाए जाना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। भाजपा परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस दौरान विशंबर दयाल, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, हरिनिवास प्रधान, विष्णु सिंगल, जयवीर पोसवाल, भूपेंद्र घुरैया, मुकेश सक्सेना आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, जिसमें डायरेक्टर के पद पर मुझे निर्विरोध चुना गया है और ये धौलपुर के लिए सौभाग्य की बात है। ये बैंक धौलपुर के वासियों को और बाड़ी वासियों को ज़्यादा ब्याज पर लोन्स वगैरह ज़्यादा ब्याज देती है और बुजुर्गों के लिए भी 0.5% ज़्यादा ब्याज देती है। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप अपनी ज़रूरत और व्यापार की उन्नति के लिए यहाँ पर RBI के निर्देशन में ये बैंक कार्य कर रही है
धन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए, उद्योग धंधे के लिए यहाँ पर कोई भी मॉर्टगेज लोन ले सकते हैं। शांति मार्च को सफल बनाने के लिए राशन डीलरों की हुई बैठक। राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान के आह्वान पर एक निश्चित मानदेय को लेकर 27 दिसंबर को जयपुर में एक शांति मार्च निकालते हुए प्रदेश के राशन डीलरों ने प्रदर्शन करते हुए राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वय समिति धौलपुर की कार्यकारिणी ने जिला स्तर पर मीटिंग का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामनाथ परमार द्वारा की गई। अध्यक्ष ने बताया कि 27 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक हो और साथ ही लक्ष्य की सफलता प्राप्ति भी हो। उन्होंने कार्यकारी से सहमति लेकर आगे की रणनीति बनाई, ताकि आने वाले आगामी बजट में राशन डीलरों को एक निश्चित मानदेय देते हुए मानदेय कर्मचारी घोषित करे। शहर अध्यक्ष श्री भगवान भगेल ने आभार व्यक्त किया एवं 27 तारीख जयपुर जाने का निवेदन किया। इस मौके पर धनेश जैन, राम दुबे, हेम सिंह भगेल, छोटू सागर, राजकुमार, योगेश शर्मा, कनिमपुर आदि मौजूद रहे। हैप्पी बर्थडे भुवनिशा शर्मा उर्फ चाइना। पापा आनंद शर्मा, मम्मी विनीता शर्मा, दादी जी मदालसा शर्मा, भैया नकुल देव शर्मा की ओर से भुवनिशा शर्मा उर्फ चाइना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और कीर्तिमान प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी बर्थडे चाइना। धरती से आसमान तक नाम हो आपका, खुशियों का हर चमन हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू चाइना। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जाँच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें, ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। माँ भगवती हॉस्पिटल, जहाँ मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24x7 इमरजेंसी सेवाएं। जननी की डिलीवरी सुविधा व ICU की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें माँ भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने गुलाब बाग धौलपुर। साधु के हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस, कटे हुए सिर का भी नहीं लगा सुराग। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में चामण माता मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस दूसरे दिन भी मृतक साधु के कटे हुए सिर व आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। ऐसे में परिजनों की सहमति से मृतक साधु के सिर के बिना ही अधूरे शव का आज गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया गया है और शव परिजनों को सौंपा गया है, जिसको गांव भीमगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी दी गई है। बुधवार को मृतक साधु भाउद्दीन उर्फ महाबुद्दीन पुत्र शेर खान निवासी भीमगढ़ का कटा हुआ शव प्लास्टिक के कट्टों में नदी किनारे मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की छानबीन की गई और कट्टों को खोलकर देखा तो उसमें साधु के दो पैर दो हाथ के साथ धड़ रखा हुआ था। साधु का सिर गायब मिला। एनडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम व डॉग स्काउट से कराई जांच। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के लिए एनडीआरएफ टीम सिविल डिफेंस के साथ आज गुरुवार को भरतपुर से डॉग स्क्वाड को बुलाकर कटे हुए सिर की तलाश में नदी किनारे आसपास के क्षेत्र में काफी तलाश कराई, लेकिन कटे हुए सिर व आरोपियों का कोई पता नहीं लग सका है। परिजनों की मांग, मृतक के भाई को मिले सरकारी सहायता और मुआवजा। घटना के बाद परिजनों की मांग है कि मृतक साधु अपने बड़े भाई फौजू खान की सहायता करता था, जो दिमाग से कमजोर है। ऐसे में मृतक साधु की हत्या के बाद अब फेजू का कोई नहीं है, जिसको सरकार सहायता के साथ मुख्यमंत्री फंड से मुआवजा मिले। इस पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। परिजनों की सहमति पर पोस्टमार्टम दी गई मृतक साधु के शव को मिट्टी। दो दिन तक कटे हुए सिर व आरोपियों का कोई पता नहीं लगने और पोस्टमार्टम कक्ष में रखी अधूरे साधु को लेकर जब परिजनों ने सहमति दे दी और मृतक के भतीजे जाकिर हुसैन पुत्र किलोई खान ने मामला दर्ज कराया है, शव का पोस्टमार्टम कराया है। गुफा में रहने वाले तीनों संदिग्ध साधुओं की तलाश जारी। सेपो सीओ विजय सिंह मीणा ने बताया कि गुफा में रहने वाले तीनों संदिग्ध साधुओं की तलाश जारी है। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें भी रवाना की गई है, जिन पर मृतक साधु की हत्या का शक है। तीनों साधुओं में केशव दास पास के मदारीपुरा का, सियाराम दास टोटरी का और बाबा महेश दास यूपी के कासगंग क्षेत्र का बताया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। आज आपसी सहमति के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हॉस्पिटल में की जा रही है। जल्दी संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने का प्रयास। कन्या कॉलेज में 113 छात्राओं को वितरित की गई स्कूटी। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना कालीबाई भील मेधावी स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित छात्राओं को गुरुवार को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा रही। विशिष्ट अतिथि सावरवल वर्मा, प्रभारी सचिव जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रही। विधायक द्वारा अपने संबोधन में स्कूटी प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां दो घर को रोशन करती हैं, इसी तरह से बेटियां आगे बढ़ती रहे तो समाज भी बढ़ेगा। प्रभारी सचिव द्वारा अपने संबोधन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करते हुए 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली छात्राओं को अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने के लिए आवेदन करने को प्रेरित किया। जिला कलेक्टर द्वारा महाविद्यालय की पानी की समस्या के संबंध में अगली सोमवार को होने वाली मीटिंग में कार्यवाही कराने का भी भरोसा दिलाया। स्कूटी नोडल प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 113 स्कूटियों का वितरण किया गया। जिन छात्रों ने आज स्कूटी प्राप्त नहीं की है, वे महाविद्यालय में कार्य दिवस में 11 बजे से 2 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, जिला समन्वयक एनएसएस द्वारा किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बसों से जयपुर के लिए रवाना। स्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कर्मियों की जयपुर में रैली और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए धौलपुर से बसों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गुरुवार शाम को जयपुर के लिए रवाना हुई।
मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं जयपुर के लिए रवाना हुई हैं। मैं सरिता बंसल, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। आज हम अपनी मांगों को लेकर आज रात भार्गव वाटिका पे सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। यहाँ से हमारी पांचों परियोजनाओं से 14 बस जयपुर के लिए रवाना हो रही है। पूरी तैयारी हमारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अब महिलाएं पूरे जोर शोर से जयपुर के लिए कूच कर रही हैं। कितनी महिलाएं कुल? करीबन महिलाएं हमारी 1100 से ऊपर ही हैं। मांगे क्या है आपकी? हमारी दो मांगे हैं। सबसे पहले हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते, जब तक मिनिमम हमें 18,000 रुपए दिए जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि रिटायर होने पर हमको एक मुश्त राशि 5,00,000 रुपए दिए जाए और हर महीने 5,000 पेंशन के दिए जाए। जयपुर में क्या कार्यक्रम है आपका? जयपुर में हमारा शहीद स्मारक पे बहुत बड़ा धरना है। पूरे जिलों से, 33 जिलों से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका और सहयोगिनी और साथिन सभी लोगों को वहां पर आ रहे हैं और अपनी मांगों के लिए, अपने सरकार से अपने धरने के लिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं। कन्हैयालाल कॉलेज मनिया के छात्र छात्राओं ने किया श्रमदान। कन्हैयालाल कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन मनिया धौलपुर के बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने मनिया तहसील परिसर एवं मनिया थाना परिसर में श्रमदान किया। इस दौरान तहसीलदार मनिया ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया तथा अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं थाने के ASI सुरेश ने छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से मोटिवेशन दिया तथा सभी को स्वल्पाहार भी कराया। इस दौरान कन्हैयालाल कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन मनिया के संचालक डॉक्टर सुशील शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका शर्मा, शिवशंकर शुक्ला, अमित शर्मा, राम प्रताप सिंह सिकरवार एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंह बने यादव महासभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय यादव महासभा धौलपुर के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी निरंजन सिंह यादव, निर्वाचन अधिकारी गोपाल सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार, कुलदीप यादव व चुनाव पर्यवेक्षक रामनिवास यादव भरतपुर की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर नाम वापसी के बाद केवल राजेंद्र सिंह यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी रिको आवासीय कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर का एकमात्र आवेदन शेष रहने पर राजेंद्र सिंह यादव को निर्विरोध धौलपुर का जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। राजेंद्र सिंह यादव के जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर शिषपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा नीतू यादव, रामेश बाबू यादव प्रदेश मंत्री सहित समाज के अन्य लोगों ने बधाई देकर स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ धौलपुर के युवा नेता भूदेव शर्मा ने मिलाए कदम से कदम। धौलपुर जिले के युवा कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन्होंने राहुल गांधी के साथ संवाद भी किया। भूदेव कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक भारत जोड़ो यात्रा में पहले भी गांधी के साथ रहे। राजस्थान में प्रवेश के साथ ही अब तक 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़े रहेंगे। भूदेव वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रवक्ता के पद पर है। समय समय पर चुनावों में प्रभारी के रूप में उन्हें अहम जिम्मेदारियां पार्टी के द्वारा दी जाती रही हैं। MCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेकराम मीणा बने भामाशाह। करीब 200 बच्चों को बांटी जर्सी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नवीन बाड़ी में नेकराम मीणा पुत्र शिवचरण मीणा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MCD दिल्ली द्वारा जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरिओम सिकरवार UCEEO बाड़ी ने की।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल पूर्व पीएमओ बाड़ी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिओम बंसल, उमेश सिंगल, उमेश कुमार एवं महेश अवस्थी रहे। मंच का संचालन हरिओम बंसल और सुमन बंसल ने किया। पप्पू सिंह रावत कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने सभी का स्वागत किया। वहीं सभी ने नेकराम मीणा स्मार्ट विलेज धनोरा निवासी के इस नेक कार्य की प्रशंसा की। स्टाफ साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत समय से प्रक्रिया चल रही थी। आज श्री नेकराम जी के सहयोग से जो धनोरा स्मार्ट विलेज के निवासी हैं उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। छात्रों को जर्सियाँ वितरित की गईं। छात्र जर्सी प्राप्त करके बहुत खुश हो रहे थे और अच्छा भी लगा। ऐसी सामाजिक सेवा के कार्य होने भी चाहिए। नंदपुरा स्कूल में पोशाक वितरण कार्यक्रम आयोजित। नई ड्रेस मिलने से बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंदपुरा पेदावली में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दो दो जोड़ी यूनिफॉर्म का कपड़ा उपलब्ध कराया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान सूर्य प्रकाश शर्मा ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अभिभावकों को कक्षा 1 से 5 तक के यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान किया। नई यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। इस मौके पर एसएमसी अध्यक्ष माखन सिंह के साथ अन्य ग्रामीण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। मोबाइल टीवी के अधिक उपयोग से हमें दूर रहना चाहिए। माताजी विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्य का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माताजी का मंगल प्रवास श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में हो रहा है। गुरु माता के परम सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा 24 घंटे का अखंड भक्तांबर पाठ का आयोजन जैन मंदिर धौलपुर में किया गया है। उन्होंने आज अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग बहुत छोटा होता है, हर चीज को पहचानने की कोशिश करता है। जब बड़ा होता है तब वह पहचानने लगता है। थोड़ा और बड़ा होने पर दिमाग विकसित होने पर स्कूल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि दिमाग को स्वस्थ रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि घुटना खराब होने पर बदला जा सकता है, हाथ टूटने पर सही हो सकता है, शरीर का हर अंग बदला जा सकता है, परंतु दिमाग को हम नहीं बदल सकते। मनुष्य की दिमाग के कारण ही कीमत है। दिमाग खराब हो जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता, इसलिए हमें मोबाइल टीवी का उपयोग कम करना चाहिए। मोबाइल की वजह से पारिवारिक दूरियां बढ़ रही है और मोबाइलों ने इंसान को अकेला कर दिया है। मोबाइल ने इंसान को स्वार्थी बना दिया है। मंगलाचरण दीक्षा द्वारा किया गया। माताजी के पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जगदीश जैन, राजीव जैन, राहुल जैन बजाज परिवार को प्राप्त हुआ। सकल जैन दिगंबर समाज की ओर से बजाज परिवार का जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, मंत्री अमित जैन, सोनू द्वारा सम्मान किया गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में 389 छात्रों को वितरित की निशुल्क ड्रेस। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क ड्रेस योजना के तहत गुरुवार को बसेड़ी कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्रेस वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामदीन कुशवाहा ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ छात्रों को उठाना चाहिए। इस दौरान स्टाफ की मांग पर विद्यालय में इंटरलॉक खरंजा व महिला शौचालय निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय प्रधानाचार्य श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि छात्र मन लगाकर पढ़ाई करे व उच्च शिक्षा को हासिल करे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत 389 छात्रों को निःशुल्क ड्रेस वितरित की।
इस मौके पर देवेश प्रसाद शर्मा, राजवीर परमार तिमासिया, सत्येंद्र कौशिक सहित समस्त स्टाफ व छात्र उपस्थित रहे। हमने विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में छात्रों के लिए जो कक्षा 1 से 8 वाले हैं उन सभी के लिए निःशुल्क पोशाक का वितरण किया। उस पोशाक के वितरण में हमने बसेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन साहब श्री रामदीन जी कुशवाहा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। विद्यालय में 389 बच्चे 389 उन पोशाक को पोशाक वितरण की गई और लगभग 90% छात्रों के हमारे जनाधार अपडेट हैं। उन सभी छात्रों के खाते में राज्य सरकार से द्वारा बच्चों की सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति छात्र की जो राशि है उसको शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।